नमस्कार। आज हम लोग जो गेम देखने वाले हैं वो आनंद और एरोनियन के बीच हुआ था, टाटा स्टील रैपिड में, जो कि कोलकाता में खेली जा रही है। बहुत ही शानदार तरीके से इंडिया में पहली बार इतनी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है। हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम में e4, e5, नाइट एफ थ्री, नाइट सी सिक्स, बिशप सी फोर, नाइट एफ सिक्स, d3। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली टू नाइट डिफेंस, जो नाइट एफ सिक्स है, टू नाइट डिफेंस बोलते हैं। नाइट जी फाइव इज द मेन लाइन, जहाँ पे आप बी फाइव, बी कट डी फाइव, नाइट ए फाइव, बिशप टू बी फाइव, सी सिक्स, डी कट सी सिक्स, बी कट सी सिक्स। अब यहाँ पर व्हाइट के पास दो तीन ऑप्शन है, जिसमें कि आप एक बी डी थ्री खेल सकते हैं, जो एक पॉपुलर चॉइस है। टाटा स्टील में एक गेम हुआ भी था इसी लाइन पे, बी डी थ्री में। और यहाँ फिर आप बिशप ए फोर के लिए जा सकते हैं, क्वीन एफ थ्री भी एक अच्छा चॉइस है। सो तीनों ऑप्शन ही खेलते हैं। एक गेम पुराना मुझे याद है जिसमें बिशप एफ वन खेला था फिशर ने, लेकिन आजकल बी डी थ्री बहुत पॉपुलर है। लेकिन इस गेम में डी थ्री खेला आनंद ने। सो डेफिनेटली टू नाइट का जो मेन वेरिएशन है, उसमें जाने की बजाय वाइट जो है वो ट्राई कर रहा है कि मैं उसको क्लोज गाय को पियर में कन्वर्ट कर दूँ। बी सी फाइव, यहाँ पर बिशप ई सेवन भी एक अच्छा ऑप्शन है, बिशप ई सेवन रख के भी खेलते हैं लोग। बी सी फाइव, कैसल, कैसल सी थ्री। अभी आप देख सकते हैं कि ये क्लोज गाय को पियानो में ट्रांसफर हो गया। डी सिक्स, रुक ई वन, बिशप बी सिक्स। बहुत बार बिशप बी सिक्स की जगह ए सिक्स, बिशप ए सेवन खेलते हैं लोग, क्योंकि तब नाइट ए फोर, नाइट सी फोर के बाद अभी इस पर टारगेट नहीं कर सकते हो। एच थ्री, जी फोर बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर है, किंग एच एट। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लान है, क्योंकि बहुत बार जब बिशप ई सेवन पे रहता है तब मैंने ये इसमें ज़्यादा गेम्स देखे हैं, लेकिन इसका मेन आइडिया जो है वो है नाइट जी एट और एफ फाइव। ये मुझे याद है हम लोग जब 2017 में शारजा और दुबई ओपन खेलने गए थे, तब मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त आकाश ठाकुर था, हमने तब ये लाइन थोड़ी डिस्कस भी किया था। और किंग एच एट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है। सो ए फोर, नाइट जी एट, बी फोर, डेफिनेटली अभी आप एफ फाइव नहीं खेल सकते हो बिकॉज ए फाइव आ रहा है। सो बी फोर को ए सिक्स खेला, ए फाइव, बिशप ए सेवन, डी फोर। यहाँ पर आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि क्यों वाइट ने डी फोर खेला, बिकॉज जब भी आपको लगे कि वन साइड क्रिएटेड फ्लैंक अटैक आता है, तो उसको आप ब्रेक करने के लिए, उसको आप काउंटर करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप सेंटर को ब्रेक कर दें, ताकि वो जो वन साइड क्रिएटेड अटैक है वो उतना पावरफुल नहीं रहे। एफ फाइव टेक्स, बिशप इंटू एफ फाइव, बिशप ई थ्री। डी फोर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज कुछ कंडीशंस में रुक और बिशप और रुक मिलके एफ टू पर भी टारगेट कर सकते हैं। सो डी फोर टेक्स, नाइट, बिशप इंटू डी फोर, बिशप इंटू डी फोर। अभी आप अगर नाइट इंटू डी फोर मारोगे तो क्वीन इंटू डी फोर मार के वो स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, भले ही उसमें सी थ्री वीक है, लेकिन क्वीन सेंट्रलाइज है और उसको डिफेंड कर रहा है, तो बहुत सही तरीके से जा रहे हैं वाइट। क्वीन जी फाइव, रुक ई थ्री। यहाँ पे एक्चुअली जो थ्रेट था वो बिशप इंटू एच थ्री थ्रेट था, सो रुक लिफ्ट के साथ वो भी बच गया, और रुक जी थ्री भी एक अच्छा आइडिया बन रहा है अभी। नाइट एफ सिक्स, रुक जी थ्री, क्वीन एच फोर। डेफिनेटली अभी जो थ्रेट है वो नाइट इंटू डी फोर, क्वीन इंटू डी फोर, क्वीन डी फोर, और उसके बाद सी डी फोर जब मारेंगे तो दोनों पॉन्स डी फोर और बी फोर थोड़े वीक रहेंगे। सो इसीलिए आनंद ने बिशप एफ सिक्स मारा, क्वीन इंटू एफ सिक्स। नाउ द थ्रेट इज नाइट इंटू बी फोर, क्योंकि ए वन हैंगिंग है। हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अनसपोर्टेड पीसेस होते हैं बोर्ड पे, तो उनको हम थोड़ा ध्यान दें। सो ही वेंट फॉर नाइट डी टू, नाइट ई फाइव, बिशप एफ वन। मुझे लगता है 20 मूव जो पहले हुए हैं उनमें ब्लैक ने जो इक्वलिटी गेन करना, तो वो तो मिली गई, शायद से स्लाइटली बेटर भी पोजिशन उसको मिल गई। सो ओपनिंग वाइज अगर हम देखें तो एरोनियन शायद सक्सेसफुल रहा था इस पोजिशन में। रुक ए एट खेला, रुक ई थ्री, बिशप टू डी सेवन। डेफिनेटली ब्लैक जो है वो ट्रांसफर कर रहा है बिशप को इधर, ताकि यहाँ पे इश्यूज आ सकें। और एन ई फोर खेला वाइट ने, क्योंकि एफ टू को बचाना जरूरी था, ये दोनों थ्रेट्स दे रहे थे उस पर। क्वीन टू एफ फोर, रुक ए टू, डेफिनेटली सेकेंड रो को गार्ड करना बहुत ज़रूरी है वाइट के लिए। नाइट एफ सिक्स, मे बी नाइट एच फोर कभी आ सकता है। सो क्वीन डी फोर खेला यहाँ पे, और ई फोर को डेफिनेटली बचाना ज़रूरी था वहाँ पे। बिशप सी सिक्स, अनदर थ्रेट, फिर से डिफेंस किया वाइट ने। रुक ई फाइव, मे बी
ब्लैक जो है वो डबल करने की कोशिश कर रहा है ई फाइल पे, और हो सकता है कभी ये रुक जो है वो ट्रांसफर हो जाए टू एच फाइव और टू में भी जी फाइव। सो जी थ्री खेला वाइट ने जस्ट टू रिमूव दिस क्वीन फ्रॉम हियर, और डेफिनेटली नाइट एफ फोर और नाइट एच फोर को भी फ्यूचर में रोक लिया। क्वीन एफ फाइव सी फोर फाइनली डी फाइव को स्टॉप करने के लिए किया, या फिर इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं हम, लेकिन स्टिल ब्लैक ने डी फाइव खेला। यहाँ पर सी कट डी मार सकते थे जिसको रुक डी एक वेरिएशन, ये भी ठीक ठाक था, लेकिन इसमें डेफिनेटली ब्लैक को एक्टिविटी बहुत अच्छी है और वो स्लाइटली बेटर है। बट आनंद ने नाइट सी फाइव खेला, रुक ई थ्री, क्वीन ई थ्री, डी कट सी फोर, एफ फोर, एच फाइव। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है एफ फोर इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ कंडीशंस में क्वीन डी फाइव आके और एच वन पे इश्यूज आ सकते हैं, तो एफ फोर अगर खेलें तो बी जी टू के लिए हम ऑप्शन बना सकते हैं। सो एफ फोर खेला, एच फाइव, क्वीन टू डी फोर, एच फोर, डेफिनेटली इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। एन ई सिक्स एक अच्छा मूव लग रहा है, एक्टिव मूव लग रहा है, जिसमें वाइट ब्लैक ने क्वीन एफ सिक्स खेला। अभी आप नाइट इन टू एफ एट नहीं मार सकते बिकॉज क्वीन डी फोर हैंगिंग है। सो यहाँ पर आफ्टर क्वीन एफ सिक्स, यहाँ पर आप थोड़ा पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या एक इस पोजीशन में कंटिन्यूशन हो सकती है, जिसमें कि शायद वाइट को फिर से चांस मिल गया कि वो इस पोजीशन को अपनी पकड़ में रखे। सो आप बीच बीच में पॉज करके आप डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं कि उस पोजीशन को और अच्छे से सोचें, और स्पेशली जो क्रूशियल पॉइंट है वहाँ पे तो हमारा ध्यान रहना चाहिए। सो हम लोग गेम विंडो की तरफ जाते हैं। इस गेम में यहाँ पर आनंद ने बहुत अच्छा मूव खेला, एक एफ फाइव, जिसमें कि आप देख सकते हैं अभी आप अगर रुक बचाते हैं कहीं तो डेफिनेटली क्वीन एक्सचेंज करके जी सिक्स मर रहा है, और यहाँ पर एच जी थ्री खेला एक्चुअली एरोनियन ने, जहाँ मुझे लगता है यहाँ पे एक सी थ्री एक मूव जो जो कि सभी एनालिसिस में दिखा रहे थे कि सी थ्री बहुत स्ट्रांग हुआ, लेकिन ये बोर्ड ओवर द बोर्ड सोचना बहुत मुश्किल था, और वो भी रैपिड गेम में। सो एच जी थ्री खेला एरोनियन ने, टेक्स रुक इन टू एफ, रुक इन टू क्वीन एंड पॉन टेक्स नाइट। अब रुक इन टू जी सिक्स के बाद आप देख सकते हैं कि तीन पॉन है एक्चुअली नाइट के लिए। नॉर्मली तीन पॉन एंड गेम में एक माइनर पीस के लिए सफिशियंट रहते हैं, बट पॉन फॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं है, पॉन स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है ब्लैक का, जिसमें कि जी थ्री और सी फोर बहुत वीक है। सो वेट फॉर रुक ई थ्री, दोनों ही पॉन्स को टारगेट कर रहे हैं, बी फाइव, ए कट बी सिक्स, सी कट बी सिक्स, बिशप सी फोर, ए फाइव, और अभी वाइट ने बी फाइव खेला। इट वॉज इम्पॉर्टेंट कि ये पॉन बोर्ड पे रहे, ना कि उसको एक्सचेंज कर दिया जाए, राइट। सो बी फाइव खेला, बिशप डी सेवन, नाइट एफ एट, बहुत ईजी तरीके से उसको लिक्विडेट कर रहे कि सब कुछ एक्सचेंज कर लो और फिर एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ हम आराम से जीत जाएंगे। नाइट इंटू डी सेवन, रुक का डी सेवन, रुक डी सिक्स, डेफिनेटली बी सिक्स को प्रॉब्लम है अभी, रुक डी फोर, बिशप एफ वन। लास्ट टाइम जब बिशप एफ वन आया था तब उतना स्ट्रांग वो नहीं था वो, पर अब ज़रूरत है उसकी, क्योंकि वो किंग को भी सेफ्टी दे रहा है, एच थ्री और बी फाइव को प्रोटेक्ट कर रहा है, और द नेक्स्ट थ्रेट इज रुक इन टू बी सिक्स। रुक डी टू खेला ब्लैक ने, रुक बी सिक्स, ए फोर, रुक ए सिक्स, रुक ए टू, उसको डिफेंस करना ज़रूरी है, वैसे ये पोजिशन कम्प्लीटली विनिंग है, पर फिर भी एरोनियन ने कुछ मूव्स खेला। बीडी थ्री, जी फाइव, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीडी थ्री के बाद बैक रैंक था, इसलिए जी पॉन पुश करना ज़रूरी था, या मे बी किंग किंग जी एट नहीं आ सकते उसमें, क्योंकि उसमें बिशप सी फोर चेक आ रही है, सो और ए टू पे इश्यूज है। सो डेफिनेटली जी फाइव खेला यहाँ पर, और बी सिक्स, रुक टू बी टू, यहाँ पर कोई कोई मतलब नहीं है कि आप ए फोर मार के बी सिक्स दे दो, क्योंकि हमारा पॉन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो बिशप ई फोर खेला वाइट ने, ए थ्री, बी सेवन, रुक सॉरी पॉन टू ए टू, यहाँ पे एक्चुअली बी सेवन को ही रिजाइन कर दिया था एरोनियन ने, लेकिन अगर ए टू खेला भी होता तो रुक इन टू ए टू आ रहा है सीधा, क्योंकि अगर उसको आप मारते हैं तो बी सिक्स बी एट प्रमोशन हो रहा है, और डेफिनेटली ये कम्प्लीटली विनिंग है, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं बनता है। सो बहुत ही अच्छा गेम आनंद ने फिर से एक अरनियन को हरा के दिखाया। 2013 का एक गेम मुझे याद है कि वो एक बहुत ही, जिसमें नाइट डी फाइव, अभी हाल ही में सागर ने एक वीडियो बनाया था जब कार्लसन को और विदित को ये पोजिशन दिखाए थे, तो कितने वो लोग कितने स्ट्रांग है कि उनको हर गेम
विथ ईयर, ओपोनेंट के साथ कौन से टूर्नामेंट हुआ था, सभी याद रहता है, बहुत ही काबिले तारीफ उनकी मेमोरी है। उसके बाद जो हम गेम देखने वाले हैं वो टाटा स्टील के और कुछ गेम्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि रैपिड के गेम्स को हम एटलीस्ट कवर करें, जो भी अच्छे गेम्स हुए हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, थैंक यू, बाय।